Hello guys, hi, it's SM2TripleO, welcome back to another new video. This week I'm gonna unbox the newly launched Redmi 4, which is also known as the Redmi 4X in China. मैंने इस फोन को 23 मार्च 2017 को ऑर्डर किया था और आज 27 मार्च 2017 हो गई है। तो अमेज़न के पैकेज खोलने के बाद बबल रैप के अंदर रखा गया Redmi 4 का बॉक्स। दो Xiaomi is a Chinese company, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। तो ये 7000 रुपए में बिकने वाला 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर रखा गया Redmi 4, उसके बाद कुछ पेपर वर्क जैसे कि वारंटी और क्विक स्टार्ट गाइड। उसके नीचे माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी टाइप ए केबल, एक वॉल चार्जर और एक सिम इजेक्टर टूल। इसके अंदर ईयरफोन्स नहीं दिए गए हैं। So as the back is made out of metal, this feels quite premium considering the price of the phone. And some quick specifications are listed over on your screen. मैं नाखून काटने भूल गया। उम्मीद करता हूँ तुमने उल्टी नहीं की होगी अब तक। So now I'm done with the unboxing. Let's set it up this device for the very first time. Okay, so it's an hybrid slot, which means it can either fit two SIM cards or one SIM and a micro SD card. तो सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज, रीजन और कीबोर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपका सारा डाटा सिंक करने के लिए या आपको आपके वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो बाकी का सेटअप किसी भी है और एंड्रॉइड फोन जैसा ही है, इसका कोई खास नहीं है। वही गूगल अकाउंट भरो और पासवर्ड और बैकअप वगैरह। एक बार आपने अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर दिया तो अगर आपके पास अपना मी अकाउंट है आप उससे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना बना सकते हैं। मेरे पास अभी है नहीं, मैं अपना बनाना भी नहीं चाहता हूं, तो मैं फिलहाल इस स्टेप को नहीं करने वाला हूं। आप चाहे तो वो सेटिंग्स के अंदर बाद में जाके अपने मी अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। तो आपको पासवर्ड, पिन और पैटर्न तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इनको सिलेक्ट करने के बाद ही आपको आपका फिंगरप्रिंट ऐड करने की ऑप्शन देगा। उसके बाद ही आपको आपका फिंगरप्रिंट ऐड करने की ऑप्शन देगा। अगर आप चाहो तो अपना फिंगरप्रिंट अभी ऐड कर सकते हो, वरना आपका फिंगरप्रिंट भी बाद में सेटिंग के अंदर जाके ऐड हो सकता है। उसके बाद आप प्री इंस्टॉल्ड थीम में से अपनी कोई भी मनपसंद थीम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नई थीम्स इंस्टॉल करने के लिए आपको एक मी अकाउंट से लॉगिन करना ही पड़ेगा। So that is it for this week's video. Hope you guys liked it. Thumbs if you liked it, subs if you loved it, and I will see you guys next week. And I will be uploading my next video regarding this device. That will be my 24 hours with the Redmi 4. So if you guys want to see that video, click the annotation on the screen or click the link down below in the description of this video.